नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में विपक्षी नेताओं का महाजुटान आज देखने को मिला और उसके बाद अब प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो चुकी हैं। क्या नीतीश कुमार सच में केंद्र में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसे उखाड़ फेंकेंगे? बीजेपी के लिए एक फजीहत की घंटी आज से शुरू हो गई, खतरे की घंटी शुरू हो गई। अब ऐसे में प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो चुकी है। देखिए, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विद्यापति चंद्रवंशी और जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव की पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं राजू दानवीर। दोनों ने ही अपनी अपनी तरह से नीतीश कुमार की प्रशंसा की है। विद्यापति चंद्रवंशी ने थोड़ा तंज भी कसा है क्योंकि आरजेडी को कैसे नीतीश कुमार ने सत्ता से बेदखल कर दिया था बिहार में, कुछ वैसे ही अपने अनुभवों का इस्तेमाल करके वह अब बीजेपी को भी सत्ता से बेदखल कर देंगे क्योंकि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार रहे हैं। वहीं अब बेरोजगारी महंगाई के सवाल पर भी जब सवाल पूछे जाएंगे बीजेपी से, राजू दानवी भी पूछ रहे हैं, तो बिहार परिवर्तन की धरती है। क्या सच में यहाँ से परिवर्तन होगा? तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं, क्या कुछ जो पार्टियां हैं उनके नेता कह रहे हैं, जरा सुनिए। करते हैं हम तो याद कीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज 17 दलों को बुला करके बिहार में एकजुटता दिखाने का काम किया है, तो यह तो उनके अनुभव का ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि मुझे जो राजनीतिक अनुभव है उसका प्रमाण उन्होंने दिया है। और इसमें मैं समझता हूं जहां तक इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अपने एक अनुभव का और परिचय देना चाह रहे हैं कि जिस तरह राष्ट्रीय जनता दल की सरकार जब थी बिहार में और उस समय उन्होंने जिस तरह राष्ट्रीय जनता दल को उखाड़ करके बिहार से फेंक दिया था, उसी तरह ये फिर उसी फार्मूले पर और उसी तरह ये चाह रहे हैं कि हम एक समय जिस तरह लालू यादव जी को यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल को बिहार से उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया, इसलिए इस अनुभव को लेते हुए वो जरूर कहीं ना कहीं इस तरह का आत्मविश्वास बना लिए हैं कि मैं केंद्र में भी नरेंद्र मोदी को की सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, क्योंकि एक समय इन्होंने लालू जी को उखाड़ के फेंका, अब वो बिहार छोड़ कर अब चले हैं केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को उखाड़ने के लिए। इसलिए ये अपने अनुभव के आधार पर ये सोच रहे हैं कि इसमें मुझे सफलता मिलेगी और प्रयास भी कर रहे हैं। तो इस संबंध में मेरा ये कहना है कि लेकिन अभी जो परिस्थिति सामने दिखती है और जनता का जो रुख है वो अभी नरेंद्र मोदी के विरुद्ध में बहुत उग्र टाइप का, या कहें तो उग्र नज़र नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी हटाओ और किन्हीं और। देश व संविधान विरोधी ताकतों से लड़ना है तो देश व संविधान के मूल आत्मा में आस्था रखकर अपने स्वार्थ को त्याग कर समस्त विपक्षी दल को एक मंच पर आना होगा, अपने अहंकार को त्याग करके एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। आज कहीं ना कहीं इतिहास, पूर्व में भी इतिहास गवाह है और आज भी इतिहास गवाह बनने की ओर आगे बढ़ चुकी है। एक बड़े बदलाव की नींव बिहार की धरती से शुरू हुई है, एक बड़ा महाजुटान हुआ है। माननीय श्री नीतीश कुमार जी के आवास पर और 15 विपक्षी दलों का एक बड़ा महाजुटान, महामंथन एक बड़ा मैसेज दे रहा है। हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी पूर्व में भी कह चुके हैं कि यदि विपक्ष एकजुट नहीं हुई और विपक्ष एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ी तो इतिहास और जनता कभी उनको माफ नहीं करने वाली है। सबसे बड़ी बात कि संविधान और विधान और लोकतंत्र से ऊपर राजशाही के सिंगोल को मानने वाले आज कहीं ना कहीं इस महाजुटान से डर गए हैं और तरह तरह के बयान देने लगे हैं। यदि विपक्ष बिखराव नहीं हुई, एकजुट हुई, एकजुट होकर चुनाव लड़ी तो केंद्र का परिणाम कहीं ना कहीं कुछ और होगा और ये किसान हित में होगा, महिलाओं के हित में होगा, युवाओं के हित में होगा और खिलाड़ियों के हित में होगा, छात्र के हित में होगा। ये कहीं ना कहीं एकजुटता शुभ संकेत है और ये साथ में बिहार में जो बड़ी भूमिका में पार्टी है और जो नेतृत्व कर रही है फिलहाल महागठबंधन की, उनसे भी अपील है कि बिहार में भी अब छोटे छोटे पार्टियों को अपने साथ मिलाकर चले, उनको भी सम्मान दे। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके नेता क्या कुछ कह रहे हैं हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनवाया है, तमाम तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं। बड़े बड़े नेता पटना पहुंचे थे, हालांकि बाद में अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस अगर अध्यादेश के खिलाफ उनका समर्थन नहीं करेगी राज्यसभा में तो फिर अगली बैठक जो होने वाली है 12 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में उसमें वो शामिल नहीं होगी, यानी कि आम आदमी पार्टी के राह जो हैं वो अलग दिख रहे हैं। आज की बैठक में अरविंद केजरीवाल शामिल हुए थे लेकिन कांग्रेस के साथ तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा है, तो फिर महागठबंधन में क्या वो रहेंगे नहीं रहेंगे आगे देखना होगा।
वहां चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।